हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया, आज हम बनाएंगे मैंगो रबड़ी, जो कि बहुत ही जल्दी मैं आपको बनाना बताऊंगी। गर्मियों का सीज़न आम चल ही रहे हैं, तो क्यों ना आप इसे अफ्तार में बनाएं या आप इसे ईद के मौके पे भी बना सकते हैं। तो इसके सामान के लिए हमने लिया है, ये मैंने मैंगो प्यूरी ली है, ये 4 टेबल स्पून है। ये ब्रेड है जो कि मैंने 2 किनारे काट के, ब्रेड क्रम्ब जो होता है, लेकिन ये फ्रेश ब्रेड का है तो ये मैंने इसको पीस रखा है 2 ब्रेड के स्लाइस लेके। मिल्क पाउडर है, ये भी आपका 4 टीस्पून है, और ये भी आपका 4 टीस्पून है, क्योंकि ये फ्रेश है तो इसलिए थोड़ा सा भरा हुआ लग रहा है। इसी तरीके से 4 चम्मच आपके शक्कर है, चीनी यानी कि शुगर। काजू पाउडर है, ये आपका 1 टेबल स्पून है। थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर लेंगे और इसमें हम मिल्क लेंगे, ये मैंने 1/2 लीटर लिया है, ये रूम टेम्परेचर पर है। बॉयल्ड मिल्क है, एकदम फुल क्रीम वाला होता है। 2 मैंगो के स्लाइस हम लेंगे, ये आपका एक ही मैंगो में आपकी मैंगो रबड़ी रेडी हो जाएगी। ये जो 2 स्लाइस इसमें ऊपर से डेकोरेशन के लिए, ये हम थोड़ा सा साथ में भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। बहुत ही मैं आपको आसान तरीके से इसमें बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेते हैं और कढ़ाई के अंदर हम सारा सामान ऐड कर लेंगे। इसमें शक्कर डाल लेते हैं, मिल्क पाउडर, ब्रेड क्रम्ब और ये काजू पाउडर, ये हम एक साथ ही इसके अंदर डाल देते हैं। और इसको आप हाथ से अच्छे से ही इसमें एक साथ इसको मिक्स कर लीजिए, यानी कि आप इसको पकाएंगे फिर डालें इसमें। तो ये बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाला। इसी के साथ हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इसको अच्छे से, पहले हम इसका बिना गैस पे रखे ही पहले हम इसका पेस्ट बना देते हैं इसको, इसमें हमें कोई लम्स नहीं पड़े। धीरे धीरे मिल्क ऐड करते जाए और हमने इसका घोल इसका रेडी कर लिया है। अब हम इसको गैस पे रखेंगे, इसको हमने इंडक्शन पे रख दिया है, मैनुअल पे 1000 पे इसको रखा है। आप इसको अगर गैस पे रखते हैं तो आप इसको हाई फ्लेम से मीडियम फ्लेम पर ही इसको बनाएं, और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गाढ़ी होकर आएगी। मुश्किल से इसको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आप देखेंगे, और ये एकदम से एक गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। आप इसको बस चलाते रहेंगे, ये चलाते चलाते आपकी एकदम बन के रेडी हो जाएगी, आपको उसको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। आप इसे चाहे तो ब्रेड रबड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो थिकनेस का कमाल है वो ब्रेड का ही है। तो इसमें ये गाढ़ापन जो एकदम जल्दी से इसके अंदर आया है, तो हमने इसमें बीच में थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करे हैं, थोड़े से हम डेकोरेशन के लिए रखेंगे। इसी के साथ हम इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम थोड़ा और कम करेंगे इसके टेम्परेचर को, ये थोड़ी गाढ़ी और हो जाए, फिर हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे। जब ये इतनी गाढ़ी हो जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चम्मच पे ठहर रही है, ये हमारे अच्छे से रुक रही है इस पर, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। रबड़ी ठंडी हो गई है, अब हम इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर भी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि ये हमारा दिखने में एकदम मैंगो की तरह आए। और इसे हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, ये हमारा एकदम येलो ही आना चाहिए, जैसे कि हमारा मैंगो का कलर होता है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तो हमारी मैंगो रबड़ी बनके एकदम रेडी है। अगर आपके पास देसी आम हो, जैसे कि दशहरी वाला जो होता है, तो उसमें आपको कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना आपको थोड़ी सी इसमें कलरफुल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें अब हम मैंगो के पीसेस मैंने थोड़े से काट रखे हैं, तो ऊपर से हम डाल देते हैं, जिससे कि पता चल जाए। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर बनाएं। गेस्ट आए, आप इसे 1 घंटा पहले बना के फ्रिज में रख दें और फिर आप अपने गेस्ट को खिलाएं, और बहुत ही ज़्यादा तारीफ पाएँ इसको खिला के। थोड़े से हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।
आप इसे एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, उसको शेयर करिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं जिससे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।